और झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विशाल प्रदर्शन रैली निकाली। यह रैली जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां उनके द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई और संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई है, जिस कारण से अभिवंचित वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल नहीं हो रही है और पुरानी शिक्षा नीति के तहत 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जाती थी और नई शिक्षा नीति में इसे बढ़ाकर 12वीं तक कर दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार राज्य में यह लागू नहीं हुआ है। और आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड सरकार राष्ट्रीय 11 में आरटी कानून लागू हुआ था और उस समय से अब तक लगातार बीपीएल बच्चों का नामांकन स्कूलों में हो रहा है। 2011 में जिन बच्चों का नामांकन हुआ था आरक्षित सीटों पर, वे बच्चे अब 9 क्लास में आ गए। आरटी कानून उन्हें 8 क्लास तक फ्री पढ़ने का अधिकार देता है, 9 क्लास में बच्चों से फीस मांगी जा रही है। ऐसे में जबकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे समान वर्ग के बच्चों की तरफ फीस दे पाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक उन्हें झारखंड में लागू नहीं किया है। स्थिति ऐसी बन गई है कि जो उन्हें 12 तक फ्री पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उससे वे वंचित रहे। ऐसी स्थिति में एक तरफ स्कूल प्रबंधन उन बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है फीस जमा करने के लिए, दूसरे तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है कि बच्चे फीस दे पाए। ऐसे में बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और स्थिति ऐसी बन गई है कि वे बच्चे अब स्कूल जाने से कतराने लगे हैं। क्या हमारे झारखंड का बच्चों का शिक्षा का स्तर इस तरह हो जाएगा? क्या 8 क्लास के बाद बच्चे स्कूल से टर्मिनेट होने के लिए मजबूर हो जाएंगे? पैसे के अभाव में स्थिति तो इसी तरह बन रही है। हम आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सभी बातों को रखते हुए मांग करने आए हैं कि अविलंब उनके माध्यम से एक जो आदेश स्कूलों को दिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन बच्चों को 12 तक जो फ्री पढ़ने का अधिकार है उसे उन्हें दिया जाए, जिससे बच्चे पढ़कर समाज में अच्छे नागरिक बने और झारखंड का शिक्षा का स्तर